आकांक्षा दुबे केस को लेकर क्या कुछ नए अपडेट आए हैं? 52 दिन हो गया है आकांक्षा दुबे मामले को हुए, और ऐसे में नए अपडेट क्या है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हम इसी पर बात करेंगे। आज का दिन अहम क्यों है, आज क्या होने वाला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा सर है। सर, पहला सवाल यही है कि अब तक क्या क्या हुआ है और आज क्या होने वाला है? 52 दिन हो गए हैं इस केस को हुए। बिल्कुल 52 दिन हो गए हैं, क्योंकि 26 मार्च, 25 और 26 की दरमियानी रात की ये घटना है। तो जी सर, आज चूंकि 17 मई है, तो बिल्कुल 52 दिन हो गए हैं। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि बहुत मंद गति से ये केस प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मतलब बहुत मंद गति से, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी जस के तस बने हुए हैं, अनसुलझे हैं। बहुत सारी गुत्थी है जो अब भी अनसुलझी हुई है। हाँ, एक बड़ी बात जरूर है कि अरेस्टिंग हुई है नेम्ड एक्यूज्ड की, यानी समर सिंह और जी संजय सिंह की। लेकिन उसके बाद भी मधु दुबे का ये कहना है, आकांक्षा दुबे की माँ का, इसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं और उनका नाम भी ले रही हैं, उनकी पहचान भी बता रही हैं, उनका ठिकाना भी बताया जा रहा है। बावजूद इसके मधु दुबे का आरोप है कि पुलिस जैसी कार्रवाई की वो अपेक्षा रखती हैं, वैसी कार्रवाई सारनाथ थाने की पुलिस नहीं नहीं कर कर रही रही। है। यही वजह है कि परसों यानी कि सोमवार को किन्नर समाज के लोग मदद करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए मधु दुबे के पास आए थे। और उन लोगों ने न सिर्फ वाराणसी पुलिस कमिश्नर के आवास का घेराव किया, बल्कि पुलिस को एक अल्टीमेटम भी दिया कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है, मधु दुबे का बयान नहीं दर्ज किया जाता है 164 का, तो जी फिर सर, आने वाले दिनों में वो लोग आंदोलन के लिए विवश होंगी, मजबूर होंगी। परसों का ही डेवलपमेंट ये है कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ मधु दुबे ने ये एक आवेदन दिया, जिसमें जो जांच अधिकारी हैं, जो विवेचक हैं इस केस के, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, कोर्ट की अवमानना करते हुए 164 का बयान अब तक उन्होंने दर्ज नहीं किया है और नहीं। ढुलमुल रवैया है। उसके अलावा आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज समर सिंह और संजय सिंह की तरफ से जमानत की याचिका लगाई गई है, जमानत की याचिका दायर की गई है, गुहार लगाई गई है जिला जज के यहाँ। आज सुनवाई होने वाली है, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जाएगी, बहस होगी और उसके बाद तब ये फैसला होगा कि समर सिंह को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, समर सिंह और संजय सिंह को जेल से बाहर आना चाहिए या नहीं नहीं आना चाहिए। हालांकि कानून के जो जानकार हैं, और पहले से भी हम ये कहते आ रहे हैं कि जितने एविडेंसेज हैं, जितने सबूत हैं, और खास तौर पे 19 अप्रैल को जो आकांक्षा दुबे का एक वीडियो आया था जिसमें वो किसी भी हालत के लिए, इस हालत के लिए समर सिंह को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी, तो उस वीडियो के आने के बाद ये बेहद मुश्किल लगता है कि समर सिंह और संजय सिंह को जमानत मिल जाए, राहत मिले, सुकून मिले, जेल से बाहर आने की स्थिति आए। रही बात, यह भी संभावना है कि आज कोई डिसीजन नहीं भी आए, ये जी तारीख आगे बढ़ जाए। जिस तरीके से 9 तारीख को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी कोर्ट में जमानत पर, उसी और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, उसी तरीके से आज ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है कि जो जमानत याचिका का जाहिर तौर पर मधु दुबे के वकील जो शशांक शेखर त्रिपाठी हैं वो विरोध करेंगे, तो वो हो सकता है कि इसके लिए वो कुछ और दिनों की मोहलत ले और नई तारीख कोई पड़े। एक जो डेवलपमेंट था, एक जो बातें थी, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम में भी कि केस डायरी क्या कोर्ट तक पहुंची है। जब तक जी केस सर, डायरी नहीं आती है, तब तक किसी भी चीज पर सुनवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे जमानत देने की बात
हो रही है, ये गुहार लगाई गई है समर सिंह के वकील की तरफ से। तो ये डेवलपमेंट है कि केस डायरी कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब उसमें क्या 19 अप्रैल को जो वीडियो आया है उसको बतौर डिजिटल साक्ष्य मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, ये हमने कल वकील से बात की थी मधु दुबे के, तो उन्होंने बताया था कि वो अनभिज्ञ हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है उस मुताबिक वो वीडियो डिजिटल साक्ष्य के रूप में जरूर मेंशन किया गया होगा केस डायरी में। और उसके बाद ये सारी चीजें भी, और शशांक शेखर त्रिपाठी की ओर से भी, मधु दुबे की तरफ से भी, ये केस डायरी में क्या क्या सबूत पेश किए गए हैं या कोर्ट से मांगा जाएगा, ऐसा उनका कहना है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि क्या क्या जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं। इसके अलावा जो लड़ाई चल रही है, खास तौर पर एक नजर में देखा जाए तो अब मधु दुबे, आकांक्षा दुबे की जो माँ है, वो आकांक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए जो उनके मुताबिक जो कातिल हैं उनसे ज्यादा वो आज की तारीख में जो कातिल को पकड़ने की जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस पर, जी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार कोर्ट जा रही हैं। कोर्ट में भी इस बात के लिए प्रार्थना किया जा रहा है कि जो बयान 164 का है, उनका कहना है कि जिला कोर्ट की तरफ से आदेश होने के बाद भी अब तक विवेचक उनका बयान 164 का कलम बंद नहीं कर रहे हैं। वो लगातार सारनाथ चौकी से ही इस केस को बदलने की मांग कर रही हैं, जांच अधिकारी को बदलने की मांग कर रही हैं, और इसको लेकर वो दूसरे तीसरे दिन से लड़ाई लड़ रही हैं जो कि आज तक उनकी लड़ाई जारी है। वो चाहती हैं कि इसमें और लोगों का नाम जुड़े, और लोगों का नाम मेंशन हो, लेकिन पुलिस का जो एक ऑडियो वायरल हुआ था उसके मुताबिक, जो मैंने कहीं देखा था उसके मुताबिक, पुलिस ये मानने को अब तक तैयार नहीं है सबसे पहले कि ये सुसाइड ये हत्या का मामला है। पुलिस शुरू से ही इसको आत्महत्या का केस मानकर उसी एंगल से जांच कर रही है, और इसी पर आपत्ति है मधु दुबे या उनके वकील को कि आखिर जब तक हत्या के एंगल से जांच होगी नहीं तो फिर ये बातें कहाँ से सामने आएगी कि आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जो चल रहा है। मुंबई के जो एक दोस्त हैं उनको नोटिस भेजा गया था, वो भी मधु दुबे की तरफ से कहने के बाद, जो पूछताछ में उनको शामिल किया जाए, सारनाथ थाने की पुलिस ने उनको नोटिस दिया था पूछताछ में सहयोग करने के लिए और मुंबई से वाराणसी आने के लिए कहा था, लेकिन उसके भी कई दिन गुजर चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद 17 अप्रैल की वो घटना, ये जब पुलिस को ये नोटिस पुलिस की तरफ से भेजा गया था, जी डेट हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं अब तक वो भी अपना बयान दर्ज कराने या पूछताछ करने नहीं पहुंच पाई है पुलिस के सामने में। तो वो भी इन लोगों का आरोप है कि पुलिस का ढुलमुल रवैया है। तो एक अब सर और सवाल, आकांक्षा दुबे का क्या मोबाइल को लेकर क्या अपडेट है? जो बिल्कुल बिल्कुल भेजा गया था वो अनलॉक हुआ, क्या हुआ, कॉल डिटेल निकला कि नहीं? क्योंकि ये बहुत अहम माना जा रहा है इस केस में। कोई अपडेट नहीं है इसमें, ना तो आकांक्षा दुबे का मोबाइल फोन अनलॉक हुआ है, ना ही विसरा रिपोर्ट आई है, ना फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई है। और ये तमाम चीजें मधु दुबे की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी जांच चल रही है, कौन सी प्रक्रिया चल रही है, इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है, ये लगातार शिकायत की जा रही है। वो लगातार वहां के सीएम से भी इसमें इंटरफेरेंस की बात कर रही हैं, एसआईटी की जांच का गठन करने की बात कर रही हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उनके नजरिए से देखा जाए तो कहीं से भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, कहीं से भी उनको सिवाय आश्वासन के कुछ खास नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि अब उनकी लड़ाई और ज्यादा ये हो गई है, और उनको इस केस को सुलझाने के लिए एक कदम और ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी उनको, और इस केस के लिए मतलब और
उनको लोगों के सामने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास दरबार में भी जाने की वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं से भी फिलहाल अभी तक तो उनके दरबार में योगी आदित्यनाथ से मिलने का मौका ही नहीं मिला है, लेकिन वो जी सर, लगातार कोशिश कर रही हैं, बयान के जरिए ये मांग कर रही हैं, तो उनको उनकी गुहार सुने योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो सबकी सुनते आए हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, आज के डेवलपमेंट पे विशेष तौर पर हम लोग की नजर बनी रहनी चाहिए कि क्या होता है। वैसे इस बात की कम गुंजाइश है कि आज कोई डिसीजन आए, ये लगता है कि आज ये केस जो आज जमानत याचिका पर सुनवाई है जी सर, वो कोई और नई तारीख पर है, उस दिन शायद कोई डिसीजन आ पाए।